Hi guys, how are you? I hope you all are doing really well. So welcome back to my channel. और आज मैंने शूट किया है इसके स्कूल का. श्रीहान के स्कूल में आई हूँ. यहाँ पे एग्जीबिशन चल रहा है और हम लोगों ने एग्जीबिशन में इसके तरफ से हम लोगों ने पेन स्टैंड जो अभी आपको मैं दिखा रही हूँ यही हम लोगों ने बनाया है. हम लोगों ने यही इसके पापा ने बनाया है. आधी रात में जग के पूरा टाइम दिया है अच्छे से और ये काफ़ी इतना अच्छा बना है कि इसको आगे में ही रखा गया है. बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में. और भी पेरेंट्स लोग बहुत तरह का चीज़ बनाए थे. मतलब पेरेंट्स लोग को ही बनाना पड़ता है क्योंकि बच्चे इतने छोटे बच्चे तो बना नहीं सकते हैं. हाँ, उनको सामने रख करके उनसे हेल्प लिया जा सकता है, उनको सिखाया जा सकता है. तो एक तरह से देखा जाए तो स्कूल क्या सिखाएंगे, पेरेंट्स को ही सब कुछ सिखाना पड़ता है. तो यहाँ हम ही लोग हैं जो उसका सारा प्रोजेक्ट बनाते हैं. और अभी छोटा है ना, इसीलिए हम ही लोग करते हैं उसका सारा काम. चलिए कोई बात नहीं, चलिए. लेकिन ये हम लोग का मेहनत रंग लाया. ये देखिए सामने रखा हुआ है, सबसे आगे रखा हुआ है. सब कुछ लोगों को रियल लग रहा है. कुछ लोग तो छू के देख रहे थे कि ये रियल का पेन है, रियल का स्केल है, लेकिन ये सब कागज़ का बना हुआ था. मुझे बहुत अच्छा लगा था ये हट है और इसका मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है क्योंकि ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा. एकदम गांव का जैसा सीन था, बस कुछ थोड़ा बहुत कमी था, बट कोई बात नहीं, ये बहुत ही अच्छा था. इसमें कुछ कुआं बन जाता, इसमें कुछ थोड़ा सा तो अच्छा लगता साइड में. कोई बात नहीं, जिसने भी बनाया है बहुत ही अच्छा बनाया है और नाइस कॉन्सेप्ट. चीज़ों को फेंकने से अच्छा है कि उसको यूज़ कर लें. तो चलिए, हम लोग घर पहुंच गए हैं. ब्रेकफास्ट हम लोगों ने हल्का फुल्का ही खाया था और अब मैं जा रही हूँ मील. एक्चुअली कुछ ऐसा कुछ खास नहीं बना रही हूँ लंच में, बस वो मैं बना रही हूँ आलू का चोखा, आलू का भाजी जैसा चोखा बना रही हूँ. उसको अच्छे से फ्राई करके, तो ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डालेंगे उसमें. जीरा का तड़का लगाया है, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे. ज़्यादा देर नहीं, एकदम थोड़ा देर, एकदम 2-3 सेकंड का रोस्ट करेंगे. उसमें डाल देंगे टमाटर मैंने एक ही डाला है क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बना रही. नहीं तो अगर ज़्यादा बना रही होती तो इसमें और अच्छे से टमाटर डालती. तो एक बड़ा साइज का मैंने टमाटर डाला है. 3 आलू है, वो भी आलू को मैंने बॉयल कर रखा था, सवेरे ही बॉयल करके रखा था. और दाल मैंने बना लिया था, तो दाल और चोखा और चावल. तो ये ही आज हम लोग का है दोपहर का लंच, तो हम लोग वहीं खाएंगे इसको बना के. तो अभी हम लोग इसको देखिए कैसे इसको ढक के पका रहे हैं. टमाटर अच्छे से गल जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं, हल्का फुल्का भी गल जाएगा. तो फिर इसमें हम लोग आलू डाल देंगे. फिर आलू को हम लोग अच्छे से फ्राई करेंगे. यहाँ पर मैंने ग्रीन चिली डाला है क्योंकि मैं भूल गई थी स्टार्टिंग में, तो अभी मैंने डाल दिया. इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे. अब इसमें आलू डाल देंगे हम, इसमें रोस्ट करेंगे अच्छे से पक जाना चाहिए आलू. उसके बाद हमने इसको मैशर की हेल्प से मैश करेंगे ताकि ये थोड़ा सा चोखा जैसा फॉर्म में आ जाए. तो आप बताइए, आप कैसे बनाते हैं आलू का चोखा? एक तो सादा बनता है, उसमें सिर्फ लाल मिर्च और सूखा लाल मिर्च को थोड़ा सा आग में पका के और उसमें नमक डाल करके वो सादा बिल्कुल, लेकिन वो भी बहुत मस्त लगता है. लेकिन आज कुछ सब्जी वैसा कुछ बनाया नहीं था. हाँ, दाल मैंने फ्राई किया है, नॉर्मल टमाटर देके मैंने दाल फ्राई कर लिया था और ये साथ में ये मैंने बनाया है अभी. और ये इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए. उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है मुझे.
देखिए बिल्कुल सादा भोजन, और आई होप कि ये सबके घर में कभी ना कभी बनता होगा जब काफ़ी ज़्यादा रश होता है घर में काम का, तो सबसे इजी खाना लंच यही है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसको खा लेने के बाद हम लोग रेस्ट करेंगे, करीब करीब 1-2 घंटा रेस्ट करेंगे। तो हम लोगों ने रेस्ट करके उसके बाद फिर मम्मी के यहाँ भी जाना है, तो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ पे। और हाँ, यहाँ पे श्रीहान कार ड्राइव नहीं कर रहा है, वो एक्चुअली सिर्फ बैठा हुआ है और पापा उसके जो है थोड़ा बहुत बता रहे हैं, क्योंकि आगे का रोड बिल्कुल क्लीन था, कोई भी रोड नहीं है, ये काफ़ी लंबा रोड है, तो हम लोग इसका फ़ायदा थोड़ा बहुत उठाते हैं कभी कभी। तो मम्मी के यहाँ हम लोग जा रहे हैं, बहुत दिन हो गया मम्मी के यहाँ मिले हुए। हम लोग घर आ चुके हैं, वहाँ का सब कुछ ठीक है, हम पापा भी ठीक है, मम्मी भी ठीक है। तो हम लोग घर आ गए, वहाँ का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता, और मेरी मम्मी ने इसको कुछ दिया है, इसकी नानी ने इसको कुछ दिया है, तो अब आप देखिए क्या दिया है। काफ़ी एक्साइटेड था ये खोलने के लिए। उधर से खुला हुआ है, पीछे से बुद्धू। वाह, कार भी निकलता है, देखो ये है क्या, ये मेरा एक ट्रक लॉन्चर है। ट्रक लॉन्चर है, हाँ। उससे क्या होता है देखो, ये खरीदा कौन है? मेरी नानी। तुम्हारी नानी? हाँ। अच्छा, ओह, पहले हम खोलते हैं। अब ये बंद करना है। नहीं, बंद नहीं करना है। क्यों? अब इसको ऐसे घुमाओ, अब इसको प्रेस करो। वैसे चलता है। हाँ, और चाहो तो तुम ऐसे करके इसको पहले बंद कर देते, ऐसे करके बंद करके चला भी सकते हो चाहो तो। हाँ। हाँ। तो बात करके चला भी सकते। तो उसके अंदर कार रहेगा? हाँ, रहेगा। ट्रक के अंदर? हाँ, रहेगा। देखिए, अभी तक है। तो तुम इसको कितना दिन में तोड़ दोगे बेटा? कभी नहीं। हाँ, कभी नहीं? नहीं। कि एक दिन में टूट जाएगा? कभी नहीं तोड़ेगा। पक्का? ये तो पहली बार देख रहे ना, ये हम कभी नहीं खेले, चलिए कभी नहीं तोड़ते, उसका क्वालिटी भी अच्छा है। तो चलिए, यही पे मैं अपना व्लॉग को एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और हाँ, मेरा अगर व्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और सपोर्ट, आपका सपोर्ट के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो और सभी को मेरा प्यार।